तो तुम मुझ पर प्रहार करोगे? ये प्रहार नहीं, आत्मरक्षा होगी शनि। आओ हाथ लगाओ मुझे। सिद्ध हो गया सूर्यदेव। सिद्ध हो गया सूर्यदेव। कहना क्या चाहते हो शनि? मैंने अकारण यम को बलपूर्वक घसीटा, उसे उसी के घर से बाहर निकालने का प्रयत्न किया मैंने, शारीरिक हानि पहुंचाने की चेष्टा। बदले में यम ने मुझे धक्का दिया और मुझ पर प्रहार करने के लिए सज्ज हो गया, धर्म अधिकारी होते हुए, है ना? जब धर्मराज होते हुए यम ऐसा कर सकता है तो इसमें एक बालिका का क्या दोष है जिसे न संसार के विषय में ज्ञात है और न ही संसारिक नियमों के विषय। उसने भी आत्मरक्षा के यम पर प्रहार किया। सोचिए सूर्यदेव, भद्रा पर क्या बीती होगी जो अपनी माता को पीड़ा में देख रही थी, जो उनके पास जाना चाह रही थी। उनसे क्षमा मांगना चाह रही थी और ऐसे यम ने उस पर बल प्रयोग किया। और काया की पीड़ा के विषय में क्या तर्क है तुम्हारा शनि? आज मैं अपनी पत्नी को खो ही बैठा था और तुम भी अपनी माता को खोने की सीमा तक पहुंच गए थे। उत्तर दो शनि, तुमने अपनी माता की रक्षा के लिए सारे चक्रवात को नष्ट कर डाला। महादेव से जा भिड़े, क्या तुम्हारी माता की रक्षा तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता? आपका तर्क उचित है, भद्रा के कारण माता को कष्ट हुआ और उसके लिए भद्रा दंड की पात्र है। परंतु भद्रा को दंड आप नहीं दे सकते। यदि भद्रा को दंड देना ही है तो केवल माता छाया ही उसे दंड दे सकती है, क्योंकि प्राण माता छाया के जाने वाले थे। मैं शनि से सहमत हूं। तो ठीक है, अब देवी छाया भद्रा का दंड निर्धारण करें। भद्रा को कोई दंड नहीं मिलेगा। वो तो अपनी माता के आदर में पूजा की थाली से गिरे फूल उठाने झुकी। मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया।
और माता के सामने शीश झुका देने वाली संतान को तन नहीं माता का स्नेह मिलना चाहिए। यदि मैंने कुछ तर्क संगत नहीं किया तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं सूर्यदेव। तो ठीक है, यदि माता पुत्र यही चाहते हैं तो इस बार मैं भद्रा को क्षमा करता हूं, परंतु मेरी दृष्टि में अब भी भद्रा सूर्यलोक और सूर्य परिवार के लिए संकट है, और इस परिवार का मुखिया होने के नाते परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और अब इसके पश्चात यदि भद्रा से जाने अनजाने में कोई भी अपराध हुआ तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, केवल अपना निर्णय सुनाऊंगा। धन्यवाद सूर्यदेव। प्रणिपात। प्रणिपात। भद्रा के कारण शनि एक एक करके सारे संसार को अपने विरुद्ध खड़ा कर लेगा। मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लड़ने दो शनि को सारे संसार से, मुझे तो केवल अपने सिंहासन की रक्षा करनी है और सच रहना है अंतिम प्रहार के लिए। शनि के अंत के पश्चात मेरे जीवन के नए अध्याय का प्रारंभ होगा। नवीन काल के रूप में सृष्टि का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। देवलोक का एक एक सिंहासन हिल जाएगा और होगा सिंहासनों का अंत। आरंभ होगा भद्रा काल का, और जो इस भद्र काल को रोक सकता है वो खुद उसकी रक्षा में सज्ज है। कर्म फलदाता शनि, मित्र शनि, अब तक मैं चुप रहा परंतु अब नहीं रहा जाता। आशा है तुम्हें अनुमान होगा कि समस्या भी पूर्णता से समाप्त नहीं हुई है। तुमने उचित कहा अनुमान, समस्या भी समाप्त नहीं हुई है और सूर्यदेव का सिंहासन। शनि, तुम मेरे साथ शीघ्र आओ। क्या हुआ काकुर? वो यम माता भद्रा, तुम मेरे साथ शीघ्र आओ। आप सूर्य परिवार की मुखिया की पत्नी है, हमारी माता है, फिर भी आप जानते बूझते हम सबके बीच इस संकट को कैसे रख सकती है। क्यों आप इस हलाहली और इसके भीतर संचित हलाहल की रक्षा कर रही हैं?
क्यों माता क्यों? उत्तर दीजिए। यम? नहीं माता। क्योंकि माता तो क्षमा की मूर्ति होती है। प्रेम की देवी होती है। जैसे मुझे मेरे भाई अनुमान ने सिखाया। विश्वास नहीं होता, इतना शीघ्र बोलना सीख रही हो तुम। तुमने उचित कहा था शनि, धीरे धीरे बद्रा स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाएगी। अद्भुत अद्भुत भाषण। माता महान होती है ना, तो फिर उनके प्राण लेने का प्रयास क्यों किया? बस यम, विष मेरी भद्रा में नहीं तुम्हारे मन में भरा है, इसलिए श्रेष्ठ यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा इस बुरी सोच का कर्म फल मुझे तुम्हें यहीं देना होगा। जानते हो ना, मैंने भद्रा की सुरक्षा का वचन दिया है। यम तुम्हारा भाई है भद्रा, और भाई बहन में कई बार कहा सुनी हो जाती है। क्रोध में था वो, भूल जाओ जो कुछ भी उसने कहा। नहीं, तुम मेरी पुत्री नहीं हो सकती। आवश्यकता पड़ी तो मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए तुम्हारे रक्षक कर्म फलदाता शनि से भी मैं द्वंद करने से नहीं चुकूंगा। असंभव सूर्यदेव, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कैसे लड़ेंगे आप? आपकी शक्ति का तो आधार ही भंग हो गया है। आप मेरे सिंहासन की चिंता ना करें इंद्रदेव, वो तो कल प्रातः देव विश्वकर्मा बना देंगे। आप ये बताएं कि आप यहां कैसे और क्यों, और वो भी इस समय? क्योंकि समय और समस्या दोनों ही गंभीर है सूर्यदेव, और मुझ पर केवल सूर्यलोक का ही नहीं समस्त देवलोक का दायित्व है। मैं यहां आया क्योंकि इस समस्या का हल केवल आपके पास है सूर्यदेव, और यदि आप इस समस्या का अंत नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा कीजिए कि ये समस्या ही ना रहे। और आप
सूर्यलोक में आकर सूर्य देव को आदेश देने आए इंद्र। नहीं सूर्यदेव, देवराज होने के नाते मैं तो केवल आपको आगाह करने आया हूं कि यदि आप उसका अंत नहीं कर सकते तो उसे सूर्यलोक के सुरक्षा चक्र से मुक्त कर दीजिए ताकि मैं अपना कार्य कर सकूं। मत कहना तुम उन्हें माता, उनकी ये दशा तुम्हारे कारण हुई है। तुम किसी की पुत्री हो ही नहीं सकती। तुम भद्रा नहीं, तुम हलाहल से जन्मी हलाहली हो। जिसे छुओगी उसे जला डालोगी तुम। तुम्हें सूर्य लोक में रहने का अधिकार ही नहीं। माता और संतान का संबंध ऐसा ही होता है। संतान कैसी भी हो परंतु माता के लिए वो सबसे सुंदर होती है। भद्रा को कोई दंड नहीं मिलेगा। वो तो अपनी माता के आदर में पूजा की थाली से गिरे फूल उठाने झुकी। मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। मार्ग रोकता रहे, मार्ग दिखाता है। यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु भागना चाहती हो तो मैं समझा दूं कि भागना हर समस्या का हल नहीं होता है। कभी मेरे भी सामने समस्याएं थी, कुछ कुछ तुम्हारे ही जैसी, परंतु मैंने उनका सामना किया, उनके हल तक पहुंचा। मैं नहीं जानता कि तुम सफल हो पाओगी या नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम अपना कर्म करो ताकि तुम्हें कर्म फल मिले। आशा छोड़ दी तो श्वास छूट जाती है। आशा मत छोड़ना मेरी बहन, सामना करो अपने भय का। भय से भागोगे तो भय जीत जाएगा, और भय से लड़ोगी तो भय भाग जाएगा। प्रयास तो करो, मैं हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। समय लो और निर्णय, क्योंकि तुम अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हो। सामना करो अपने भय का। भय से भागो तो भय जीत जाएगा। समय लो और निर्णय भी, क्योंकि तुम अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.